किल्ले सुधानी, तू है कामरानी, शहंशाह है हिंदुस्तान। नूरुद्दीन जागीर, जलवा क्रोध हो रहे है। क्या फरियाद है बड़ी अम्मा? मेरी फरियाद तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे बनाए हुए हाकिमों के खिलाफ। सुना था शहंशाह जागीर बड़ा आदिल है, आज मुझे अनुमाना है अगर तुमने मेरा इंसाफ न किया तो कयामत के दिन तुम होगे और मेरी फरियाद होगी, वहां मैं और तुम बराबर के होंगे। कयामत के दिन का इंतजार मत करो, बताओ तुम्हारी फरियाद क्या है, किसने परेशान किया है? तुम्हारे एक हाकिम ने तुम्हें हुकूमत करने का क्या हक है, जब तुम्हें ये भी मालूम नहीं तुम्हारे बनाए हुए हाकिम क्या कर रहे हैं। अम्मा, हम सल्तनत के कामों से बेखबर नहीं हैं, हम खुद भी भेस बदल कर रहा के हालात मालूम फरमाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं तुम्हारी शिकायत क्या है। मैं सिवाय एक नौजवान बेटी के दुनिया में मेरा कोई नहीं। शहर का कोतवाल मेरी बेटी पर नजर रखता है और आज रात को उसने मेरे घर पर आने की धमकी दी है। कोतवाल की इतनी मजाल? अम्मा, रियाया की बहू बेटियों की इज्जत हमारी इज्जत है। कोतवाल ने तुम्हारी इज्जत को नहीं हमारी इज्जत को ललकारा है और इसका जवाब उसे मिल जाएगा। वक्त बहुत कम है, अपने कुछ सिपाही मेरे साथ रवाना कर दीजिए। अम्मा, तुमने हमें पुकारा है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बेटी की इज्जत बचाने के लिए बाप खुद जाएगा। गुलवानो, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, दली कुत्ते, खुदा के खौफ से तो दर। खुदा? अरे खुदा तो बहुत दूर है, आ मेरी जान मेरे पास। गुलवानो, इन गुलाबी होठों से इनकार अच्छा है या क्या? छोड़ दे मुझे, क्या तुझे शहंशाह का भी खौफ नहीं? शहंशाह? अरे वो शराबी तो इस वक्त कहीं रंगरेलिया मना रहा होगा। अरे उसे इतनी फुर्सत का। अच्छा तो तुम भी गुलवानों के खरीदार हो? छोड़ दे। देखो भाई, ये तलवार का मजाक अच्छा नहीं। मैं कोतवाल हूँ, कोतवाल। चुप रह भाई सवाल। था बड़ी अम्मा, खुदा हाफिज। अली जा, कौन? हिकमत खान, तू यहां कैसे? आलमपना, मैं खुशकिस्मत हूं कि शहंशाह की खिदमत करते करते। हिकमत खान, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। यहां पना, मेरी बीवी, मेरी बच्ची। हिकमत खां की बेवा और बच्ची को हाजिर किया जाए।
बेगम हिकमत खान, तुम्हारे बहादुर शौहर ने हमारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हमें उनकी बहादुरी और वफादारी पर हमेशा नाज रहा। हमें गुरूर था कि हम अपनी राया के खैर खां हैं। कुदरत ने हमें सजा दी, हमारा साथी हमसे छीन लिया। बेगम हिकमत खान, आज से तुम हमारी हिफाजत में रहोगे। जो हुक्म अली जहां। देखो, हमारा ये फरमान तुम्हारे पास रहेगा। हमारी जिंदगी में तुम हमसे जो भी मांगोगे हम देंगे। तुम्हारे शौहर की जिंदगी का सिला हम यही दे सकते। फरमान की क्या जरूरत है जहां पना? फरमान जरूरी है। हो सकता है कि हमें अपना वादा याद ना रहे। हम वादा भूल सकते हैं, लेकिन याद आने के बाद उसे नहीं तोड़ सकते। बेटी, हमारे पास आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जरीना। तुम बादशाह हो? बादशाह ऐसे होते? हाँ बेटी। माँ कहती है बादशाह तो सब कुछ कर सकता। हमारे अब्बाजान को बुला दो ना। हमारे अब्बाजान क्यों नहीं आते? बेटी, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक लाजवाब खिलौना देंगे। बहुत अच्छा, हंसता खेलता। गुलाम, देखो बेटी कितना अच्छा है ये खिलौना। ये हमारा बेटा खुर्रम है। खुर्रम, ये जरीना है, तुम्हारे उस्ताद मरहूम हिकमत खां की बेटी। अब ये हमारे पास ही रहेगी। तुम दोनों खेलो, हम अभी आते हैं। आओ जरीना, हम तुम्हें बाजा सुनाएं। ऐसा नहीं होता बेटा। तो फिर कैसे होता है? लाओ हम बताते हैं। चली गई, बड़ी शरीर मालूम होती है। शहंशाह आलम, सलमा बेगम हाजिर होने की इजाजत चाहती हैं। इजाजत है? सलमा, खैर तो है? वाले साहब का खत आया है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं बहुत परेशान हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, खुदा ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आली जा, उन्होंने जरीना को याद फरमाया है। मैं अपने शौहर के चहलम के बगैर तो जा नहीं सकती। अगर आप इजाजत दे तो जरीना को उसकी नानी के साथ भेज दिया जाए। परेशान होने की कोई बात नहीं, हम उसके जाने का पूरा पूरा इंतजाम कर देंगे। Thank you.
करे रखवाली, वो है सारे जहां का वाली। अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली, वो है सारे जहां का वाली। मालिक का दरबार निराला, उसके दर पर आने वाला कभी न जाए खाली, कभी न जाए खाली। अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली, वो है सारे जहां का वाली। अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली, वो है सारे जहां का वाली। तूफानों से कभी न डर तू, रख उसकी रहमत पे नजर तू, बन जा उसी का सवाली, बन जा उसी का सवाली। अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली, वो है सारे जहां का वाली। अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली, वो है सारे जहां का वाली। गम क्या तुझको खुदा तेरे साथ है, मौत और जिंदगी उसी के हाथ है। उसकी शान निराली, उसकी शान निराली। अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली, वो है सारे जहां का वाली। अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली, वो है सारे जहां का वाली। अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली, वो है सारे जहां का वाली। अल्लाह लो आप सुनो, अभी गए और अभी आ गए, अच्छी कमाई करोगे तुम भी। ये कौन है? खुदा की भेजी हुई अमानत। क्या मतलब? ये बेचारी एक लूटे हुए काफले की यादगार है बेगम। लो और सुनो, यादगारों के लिए हमारा ही घर रह गया है। अम्मी अम्मी, अब्बा कह रहे थे कि तुम्हारी अम्मी इस बच्चे को देखकर बहुत खुश होगी। हाँ हाँ, हम तो इसे ये समझकर यहाँ ले आए कि तुमसे अच्छी माँ इसे कहाँ मिलेगी। वाह वाह, मेरी खुशामद फरमा रहे हैं आप ताकि मैं इसे रख लूं। हाँ साहब, अब तो इसे रखना ही पड़ेगा। ये लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? जरीना।
मलका आलिया, मेरी जरीना मुझसे जुदा हो गई, मेरी बच्ची मुझसे छिन गई। उसके नाना ने पैगाम भेजा कि काफला लुट गया। मलका, सब्र करो सलमा, रोने धोने से क्या हासिल। मालिक के दो जहां के सामने इंसान बेबस है। अम्मा, पानी भी तो डालना होगा। पानी मैं खींचूंगी। नहीं नहीं, मैं खींचूंगा। क्यों? तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे जरीना। अरे जा जा। नाजुक हाथों में दर्द हो जाएगा। गुलाम को हुक्म दीजिए, खिदमत के लिए हाजिर है। गुलाम को हुक्म दिया जाता है कि वो चलता फिरता नजर आए। गुलाम जुदाई का तलबगार नहीं, निगाह मोहब्बत का उम्मीदवार है। गुलाम हुक्म दिया नहीं करते, हुक्म माना करते हैं। अजी जरा सुनिए तो, निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी, कहां चली मेरी जान। क्या फरमाया हुजूर ने? कितनी खूबसूरत। जरीन कहीं का ये तमाचा महंगा पड़ेगा, देखता हूं कब तक बचोगी मेरे हाथों से। जरीना, जरीना, आज महमूद के घर नाच देखने चलोगी ना? ना बाबा, अम्मी कहती हैं जवान लड़कियों को नाच नहीं देखना चाहिए। हे, जवान नहीं देखेंगी तो क्या बूढ़ियां देखेंगी? चलो ना, चलो। लालच है इन लड़कियों का, जब देखो जरीना को खेले रहती। वो जो गाना सुना है ना, एक दफा सुना दे। जी नहीं, एक माफ कीजिएगा। नहीं, अच्छा तो मैं बुलाती हूँ अम्मा को। अम्मा सुनो। ना 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 ना, वो सुनेंगी तो शामत आ जाएगी। तुम उसकी फिक्र ना करो, मैंने अम्मा को आज ही अपने बड़े खाला के यहाँ भेज दिया है, है? इसलिए अब आप सुनाइए गाना। क्यों? हम किसी और ख्याल में। अच्छा, आप जिनके ख्याल में हैं, अगर हम उन्हें बुला दें तो? हाँ, अगर आप उन्हें बुला दें तो आपकी दरख्वास्त पे गौर फरमाया जा सकता है। तो क्या हमारे कहने से नहीं सुनाओगी? नहीं नहीं नहीं, प्यारी सावरिया तुम्हारी नजर लागे, प्यारी सावरिया
सहेलियां सहेलियां जब देखो सहेलियां हमसे मिलना भी सरकार को गवारा नहीं। आप चंद घड़ियों की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकते और जब हम चले जाएंगे तब हुजूर का क्या हाल होगा? चले जाएंगे कहां? अपने घर। अच्छा तो आपका और भी कोई घर है? लेकिन आपके इस घर की तरह टूटा फूटा नहीं है। अच्छा तो कहाँ है आपका वो दौलत खाना? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ एक बहुत बड़ा महल है और उसमें कोई बैठा एक सास के तारों को छेड़ रहा है। आदाब बजा लाता, बस वही नगमा और वही याद और वही उस्ताद बाकी खां और वही अंदाज। शहजादा हजूर उस्ताद बाकी खां को बदनाम कर रही है, कहती है कि उस्ताद बाकी खां हजूर की खुशामद करता है। खुदा आपको सारी दुनिया का शहनशाह बनाए। क्या हजूर मैंने कभी आपकी खुशामद की है? कभी नहीं, मतलब की बात करो। हुजूर आप जानते हैं ना कि बंके खां आपके लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकता है। तुम किसी के लिए क्या जिंदगी कुर्बान करोगे? अलबत्ता किसी दूसरे की जिंदगी जरूर कुर्बान कर दोगे, मतलब की बात करो। हुजूर आपको यकीन है ना हुजूर आपको शहंशाह ने याद फरमाया है? कितना वक्त तय किया है तुमने? हुजूर निगाह कहर से न देखा कीजिए, बंदे की जिंदगी कम हो जाएगी। खुर्रम आज हम बड़े फख्र से तुम्हें सरहद की मुहिम पे रवाना फरमाते हैं। वहां बगावत का खतरा है, तुम जाओ और वहां जाकर मुनासिब कार्रवाई करो। जैसे हुजूर का इरशाद हो। माँ बदौलत जानते हैं कि इस मुहिम में बड़े बड़े खतरे हैं, लेकिन खुर्रम तुम्हें हमारे बाद हिंदुस्तान का शहंशाह बनना है। ये ताज फूलों का नहीं कांटों का है। आलीजा जहे नसीब जो हमें आपके वतन की खिदमत का मौका मिला। शाबाश। बहादुरी के सिले में तलवार से अच्छी चीज हमारी निगाह में कोई नहीं। अब्दुल खान बेटे जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। आपने मुझे याद फरमाया चाची जान, कहिए क्या है? तुम सरहद की तरफ जा रहे हो बेटा, उन फिजाओं को एक बदनसीब माँ का सलाम कह देना। मेरी जरीना भी उन फिजाओं में खो गई है। अब वहां जरीना कहाँ चाची जान? बेटा माँ का दिल आज भी कहता है कि मेरी जरीना जिंदा है, मैं चंद दिनों की मेहमान हूं। बेटा अगर जरीना तुम्हें मिले तो मेरी हालत उसे बयान कर देना।
उम्मीद भी कितनी खूबसूरत होती है, काश वो मिल जाए। अच्छा चीची जान, अब इजाजत। अम्मी आई बेटी आई। ठीक है खाकर से देखिए। अच्छा तो तुम भी आ गई। मर्दों को क्या समझ रखा है तुमने? दिमाग रखते हैं दिमाग। अच्छा ये तो नई खुशखबरी सुनाई आपने। जी हाँ दिमाग तो जरूर रखते हैं लेकिन इस्तेमाल कभी कभी करते हैं। अच्छा मर्द अगर शक करना छोड़ दे तो इंसान बन जाए इंसान। शिराग भी कोई मुहब्बत की बात कह दी। खामोश अम्मा सुन लेंगी। अम्मा तो चली गई। कहाँ? शिराग की शादी की बातचीत करने। शिराग किसी से शादी नहीं कर सकती। तुम्हें कैसे पता कि शिराग ने कुछ कह दिया है? अरे हाँ हमें सब कुछ कह दिया है। क्या? यही कि हम तुम्हें चाहते हैं। तकनी? अरे हाँ हाँ सच बोल। आज लैला को मजनू का प्यार।
झुकने से प्यार है, मिलने से यार है, छेड़ नहीं यूं हो, छेड़ नहीं यूं हो, छेड़ नहीं यूं। आज लैला को, आज लैला को मजनू का प्यार मिला, वो दिलदार मिला, दिल करी यूं हो, दिल करी यूं हो। चुपके इश्क जो छेड़े अरमानों के तार, आँख न जाने दिल न माने, बेखबरी में हो गया प्यार। अपनी आँखों पे, अपनी आँखों पे पर्दा तो डाल ले, दिल को संभाल ले, दिल करी हो, दिल करी हो, दिल करी। आज लैला को, आज लैला को मजनू का प्यार मिला, वो दिलदार मिला, दिल करी नाजुक बदन सरकार से चूटियों ने बहुत गुस्ताखी की, देखो तो। आप पत्ते लाइए, हम दवा बना देते हैं। अच्छा, यूं ही सही, हमें भी लूटना आता है।
अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिराज, चलो चलें। कहाँ? घर, नहीं तो माँ गला घोट डालेंगी। घर? अरे वो तो बहुत दूर है और रास्ते में जंगली जानवर भी है। जंगली जानवर? हाँ। वो तो तुमसे डर जाएंगे, तुम उनसे कम नहीं हो। ये बात है। छोड़ो हमें, हम जाते हैं। देखूं कैसे जाती हो। कैसे? हाँ। जरीना, जरीना, क्यों ज्यादा चोट? हाँ, देखो वहां नहीं। जी हाँ शरीर। ठहरो जरीना, सुनो, मोहब्बत करने वाले तो इन घड़ियों की दुआएं मांगा करते हैं। देखो चांद सितारों से खेल रहा है, हम भी क्यों ना आज बिचोली खेले। तुम चांद बनो, मैं सितारा। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन सुबह जब तुम्हारी अम्मा सूरज की तरह भड़केंगी तो ये चांद सितारे दोनों गायब हो जाएंगे। अब चलो। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? तो तुम बैठे दुआएं मांगो, हम चले। शेर से बातें कीजिए, हम चले। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है। जानता हूं क्यों वापस आई हो। नहीं शिराज, सच्ची हो? हाँ, समझ गया समझ गया। शादी के बाद गिन गिन कर बदले लूंगा। शादी? शादी के लिए हाँ कौन कहेगा हस्बैंड? हाँ कौन कहेगा? आओ मेरे साथ, आओ बैठो, हम तुम्हें समझाएं। हाँ, ये हमारे अब्बा जान हैं, ये हमारी अम्मी जान हैं, ये तुम हो और ये मैं छिपे हुए खड़े हैं। अब हमारे अब्बा जान शादी के पैगाम लेकर जा रहे हैं। देखो, हम शिराज की शादी जरीना से करना चाहते हैं, मंजूर है? अम्मा जान फरमाती है, जरीना की तरफ से मुझे शादी मंजूर है। इसके बाद मैं मुस्कुरा रहा हूं ऐसे, और आप शर्मा रहे हैं ऐसे। इसके बाद शादी की रात आती है, दुल्हन सिंहारदान की तरफ जाती है, आईने में देखती है ऐसे, जुल्फे सवारती है ऐसे। सरीना, कुदरत का यह हसीन मंजर, ये चांद सितारे दो धड़कते हुए दिलों को मोहब्बत का पैगाम सुना रहे हैं। हम सब कुछ भूल सकते हैं सरीना, लेकिन मोहब्बत की ये चंद खड़ियां कभी नहीं भुलाई जा सकती। खुदा करे ये रात कभी खत्म ना हो, तुम्हारी आवाज मेरे
मेरे कानों में इसी तरह आती रही आवाज, मेरे कानों में इसी तरह आती रही। लाशें लाता तब तुम्हें होश आता। लाशें?
क्या हुआ बेटा? और क्या, हम दोनों तूफान में बह गए, मरते मरते बचे हैं। अम्मा जान, बस तुम्हारी दुआओं का असर है। मेरी दुआओं में क्या रखा है बेटा, खुदा बचाने वाला है। ये तो ठीक है, लेकिन रात भर कहाँ रहे? इन बेगैरतों को अपनी बदनामी का भी ख्याल नहीं आया। तुम्हें बदनामी की पड़ी है, वो बेचारे मरते मरते बचे, मैं कुर्बान जाऊं, खुदा ने इन्हें बचा लिया। अब तो जल्दी ही मैं अपने अरमान पूरे करूंगी। कैसा अरमान? क्या अब भी कोई अरमान बाकी है? बुढ़ापे में मजाक पर तो शर्म नहीं आती। मेरा अरमान क्या है? इन दोनों की शादी। अभी अभी गालियां और अभी अभी शादी, कुछ सोचा समझा भी है? शादी के लिए रुपया कहाँ से आएगा? मैंने तुमसे चोरी चोरी रुपया जमा किया है शादी के लिए। अच्छा, तो मैंने भी चोरी चोरी थोड़ी सी पूंजी जमा की है। लो और सुनो, चोरियां शुरू कर दी। अरे शिराज, बेटा खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाओ शहर से शादी के लिए जेवर और लिबास ले आओ। आओ बेटा, आओ। रुपया मैं देती हूँ, तुम चुप रहो। जी अजी। शिराज, इस तरह जाने वाले को आवाज नहीं दिया करते। मोहब्बत करने वाली बहन नहीं किया करती। तशरीफ रखिए, फरमाइए, क्या लाएंगे आप हमारे लिए? मैं तुम्हारे लिए रेशमी नकाब लाऊंगा, ताकि मेरे सिवाय तुम्हें दुनिया में और कोई ना देख सके। क्या देख रही हो? अरे ये क्या? कहीं तुम्हें नजर ना लग जाए। जरीना, अच्छा रुखसत। तुम्हारी जबान से रुखसत का लफ्ज सुनकर खुदा जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। थोड़ी देर और ठहर जाओ। फिक्र न करना जरीना, शहर है ही कितनी दूर, हम सूरज की रोशनी में जाते हैं।
के रहन जाए आहे भर के ओ आज दिल रुबा मेरे दिल रुबा आज दिल रुबा मेरे दिल रुबा हो दिल रुबा हो दिल रुबा हो दिल रुबा हो भूल जाना हुलपत करके रहन जाए आहे भर के ओ मतलब नहीं समझी बेटी तेरी माँ तुझे दुल्हन बनाना चाहती है मैं अगर दुल्हन बनूंगी तो तुम्हें खुशी होगी माँ हाँ बेटी माँ हर लड़की को जिंदगी में एक बार दुल्हन तो बनना ही पड़ता है ना क्यों नहीं बेटी मैं कुर्बान जाऊं आखिर तू मान गई खुर्रम बहुत खूबसूरत है दुल्हन बनकर मुझे बड़ा आराम बड़ा सुकून मिलेगा विदाई से पहले तुम मेरा सिंगार करोगी ना हाँ बेटी मुझे अपने हाथों से रेशमी लिबास पहनाओगी ना हाँ फिर शहनाइयां बजेंगी हाँ बेटी जब मैं दुल्हन बनूंगी तो मुझे देखकर रोगी तो नहीं मां मैं क्यों रोने लगी वादा करो ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है जानती हो मां मैं दुल्हन बनकर कहां जाऊंगी अपने ससुराल खुर्रम के यहां और कहां नहीं मैं दुल्हन हमेशा के लिए मौत की आगोश में सो जाऊंगी ऐसी बातें करनी थी तो यहां क्यों आई मुझे रुलाने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े करने अगर तू मेरी बेटी है तेरी रगों में मेरा खून है तो शादी के लिए हाँ कह दे बेटी जरीना मर चुकी है मां अब तो तुम्हारे सामने उसकी लाश है जिसे चाहो हवाले कर दो यूं ही मुस्कुराए हमारी वफाए रह रह के आए लब पर दुआए कभी न जुदा हो मोहब्बत के मारे हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे चांद सितारे करते इशारे हमने तुम्हारे तुम हो हमारे जरीना चांद सितारों में आप इतना खो गई कि यह भी ख्याल ना रहा कि कोई आया है जरीना चांद और इश्क दोनों कितने पुराने हैं लेकिन हमेशा नए मालूम होते हैं क्या आप इधर नहीं देखेंगी शर्मा रही है देखिए हम आपके लिए तोहफा लाए कबूल फरमाइए
हम अपनी बेपनाह मोहब्बत को कैसे जाहिर करेंगे। मोहब्बत को दिल महसूस करता है लेकिन दिल की जुबान नहीं होती। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हम आपको अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज रखेंगे। आज तो दहरे के लबों पर यही दुआ रही है कि मोहब्बत करने वाले कभी भी जुदा ना हो। तुम लोग खुश हो रहे हो ये जेवरात और लिबास ले, और हम हैं कि फिक्र में डूबे जा रहे। क्यों आलिजा? क्योंकि अब हम बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ये अचानक हुजूर को क्या ख्याल है? जोत भाई, खुर्रम अब हमारे बराबर हो चुका है। बेटे का जवान होना बाप के लिए बुढ़ापे की निशानी है। क्या हुजूर को अफसोस हो रहा है? नहीं जोत भाई, आज हमें इतनी खुशी है कि जिंदगी में कभी नहीं। जोत भाई, जश्न का ऐसा इंतजाम किया जाए कि महल की खुशी और नगमों की आवाज से सल्तनत का कोना कोना गूंज उठे। इतने चराग रोशन किए जाए कि किसी भी गोशे में अंधेरा ना। Thank you.
आज का दिन हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। खुदा इस खुशी को हमेशा के लिए पाए। कौन? किसी फरियादी ने हमें बुलाया? हुजूर, आप तशरीफ ले जा रहे हैं? और इधर से जोत भाई, दुनिया का हर काम रुक सकता है, सितारों की रफ्तार रुक सकती है, लेकिन जहांगीर की अदालत में फरियादी इंतजार नहीं कर सकता। बहादुर बहा मुलायदा होशियार आलम पना जिल्ले सुभानी रूहे कामरानी शहंशाह हिंदुस्तान नूरुद्दीन जहांगीर जलवा अफरोज हो रहे हैं। फरियादी, क्या फरियाद है तुम्हारी? आलीजा, आपकी सल्तनत में मेरी महबूबा को मुझसे छीन लिया गया है। कौन है वो जालिम जिसने तुम महबूबा को तुमसे छीन लिया? आलीजा, जान की अम्मा पाऊं तो अर्ज करो। मुल्जिम का नाम बताओ। आलीजा, बताओ नाम, बताओ फरियादी। आलीजा, उस मुल्जिम का नाम है शहजादा खुर्रम। खुर्रम? शहजादा खुर्रम के खिलाफ ये इल्जाम गलत है, हम इसे कबूल नहीं फरमा सकते। शहजादे की शादी होने वाली है, रस्में अदा हो रही। हाँ, वो रस्में बंद करवा दीजिए आलीजा। क्या तुम दीवाने हो? हाँ तो नहीं, लेकिन बना दिया गया। जिस खातून से शहजादे की शादी होने वाली है वो ही मेरी महबूबा है आलीजा। उसकी तलाश में हजारों कोस की मुसाफत तय करके आया हूं, और ये भी जानता हूं कि शहंशाह जहांगीर की अदालत में हमेशा इंसाफ होता है। कोई सबूत? ये दर्द भरे आंसू, ये पैरों के छाले आलीजा। ये शायरों जैसी बातें कानून के हजूर में कोई वक्त नहीं रखते। हम जरीना को अच्छी तरह जानते हैं, वो हमारे मरहूम दोस्त सरदार हिकमत खां की बेटी, तुम उसे कैसे जानते हो? बहुत साल पहले जरीना जिस काफिले के साथ हमारे वतन में आई थी, वो काफिला डाकुओं ने लूट लिया। सिवाय सरीना के और कोई नहीं बचा। इसके बाद सरीना हमारे घर में परवरिश पाई। वो मेरे बचपन के साथी, मेरी जवानी की रफीक है आलीजा। मुमकिन मीरद आलीजा, शहजादा खुर्रम को हाजिर किया जा। शहजादा मुकर्रम, आलीजा ने आपको याद फरमाया है। इस वक्त? जी हाँ, अभी। लेकिन खुर्रम, ये तो रस्म अदा करने का वक्त है। शहंशाह मौज़म ने फरमाया है। बोल, बोलती क्यों नहीं? शादी की रस्में बंद कर दी जाएं, और आपको इसी वक्त याद फरमाया है। क्या इरशाद है वालिद मोहतरम? ये शाही अदालत है वालिद, नहीं हमें शहंशाह का ये पुकारो। तुम्हारे खिलाफ इल्जाम है कि तुमने इस फरियादी की महबूबा को इससे जुदा कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं आलीजा? फरियादी को दीवाना मालूम होता है, ये तौहीन कर रहा है हिंदुस्तान के शहजादे की, शहंशाह की, मुगलिया सल्तनत की, हिंदुस्तान की होने वाली मलिका जरीना की। मुल्जिम, जरीना को हिंदुस्तान की मलका मत कहो। ये फैसला अभी बाकी है कि वो मलका बनेगी या नहीं। आलम पना, आप जानते हैं कि शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। हाँ हाँ, हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि शादी की रस्में रुक भी सकती हैं। आलीजा, मलका आलम कुछ अर्ज करना चाहती हैं। इजाजत है। इस शादी की खबर मुल्क के गोशे गोशे में फैल चुकी है, अब ये कैसे रुक सकती है?
क्यों नहीं रुक सकती? क्या हम फरियादी की फरियाद को नजरअंदाज कर सकते हैं? जब तक फैसला ना हो शहजादा खुर्रम की शादी का सवाल पैदा ही नहीं होता। आलीजा, गुस्ताखी माफ, अगर यह शादी नहीं हुई तो मुगलिया सल्तनत के दामन पर बेइज्जती का धब्बा लग जाएगा, मुल्क भर में सनसनी फैल जाएगी, शाही वकार को ठेस लगेगी, शहजादे के एहतराम में फर्क आ जाएगा। शादी की रस्में अदा होती भी रोक दी जाए, मुगलिया तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। काजी साहब, आज तक यह भी कभी नहीं हुआ कि किसी फरियादी ने हमारे इंसाफ को पुकारा हो और हमने जवाब ना दिया। मुगलिया सल्तनत की बदनामी हो, शाही वकार को धक्का लगे, शहजादे की इज्जत बेइज्जती में तब्दील हो जाए, इंसाफ के लिए हमें सब कुछ मंजूर है। जो हुकूमत अदल का दामन छोड़ सकती है, अपनी इज्जत और वकार के लिए रया की आवाज को कुचल सकती है, ऐसी सल्तनत की इज्जत का चले जाना ही अच्छा है। कल अदालत शाही में जरीना का बयान लिया जाएगा, हम हुक्म देते हैं कि शादी की रस्में रोक दी जाए। संभलो मलका, संभलो, यह अदालत है। अब्बाजान, अब मैं इजाजत चाहता हूं। खुर्रम, जब तक मुकदमे का फैसला ना हो जाए तुम जरीना से नहीं मिल सकते। खुर्रम नहीं आया। खुर्रम नहीं आया। जी नहीं सरपंच, हम जानते थे मां बदौलत भी आज खाना नोश नहीं फरमाएंगे। एक मुलजिम से इतनी हमदर्दी? मुलजिम से नहीं, बेटे। इंसाफ बनाने वाले ने जहां इंसाफ बनाया वहां बाप के पहलू में बेटे की मोहब्बत का जज्बा भी दिया। लेकिन मालूम होता है सरपंच, इंसाफ की आरजू बाप की मोहब्बत पर छाई हुई है। हम रया के हर इंसान को अपना बेटा समझते हैं जोत पर। जब से फरियादी ने फरियाद की हमारे दो बेटों में टक्कर हो गई है। देखें अब इंसाफ किसका साथ देता है। शहजादा हुजूर, मोहतरमा जरीना ने तोहफा वापस भेजा। क्या कहा? वापस कर दिया? उन्होंने कहा हमें अफसोस है, हम ये तोहफा रख नहीं सकते। तखलिया, खुर्रम। अम्मी जान। खुर्रम, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी अम्मी अभी जिंदा है। उम्मीद का दामन न छोड़ो खुर्रम, अपने बाप की मोहब्बत पर भरोसा रखो। उस बाप की मोहब्बत पर भरोसा रखूं जिसने एक भिखारी की फरियाद पर अपने बेटे की शादी की रस्में रोक दी? ये ना भूलो खुर्रम, फैसला शहंशाह के हाथ में नहीं जरीना के हाथ में है। लेकिन जरीना के खानदान ने हमारा नमक खाया, वो तुम्हारे खिलाफ कभी फैसला नहीं दे सकती। जरीना ने अपना फैसला दे दिया है मीजान, उसने हमारा तोहफा वापिस कर दिया। तो तुम उसे जाकर मिलो, उसे अपनी जिंदगी का वास्ता दो। शहंशाह ने हुक्म दिया है कि हम जरीना से नहीं मिल सकते। अब वो दरवाजा हमारे लिए बंद हो चुका है। दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं जरीना के दरवाजे पर जाऊंगी। आप यहां मलका आलिया? मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है,
तो मुझे याद फरमा लिया होता। प्यासा ही कुएं के पास जाया करता है। हिंदुस्तान की मलिका मुझ बेकस से क्या मांगने आई है? अपने बेटे की खुशी। ओ, मैं समझ गई, लेकिन मैं तो खुद किसी की अमानत हूं। इतना रूखा जवाब। सरीना, राजपूत की बेटी जोधभाई ने आज तक किसी के सामने दामन नहीं फैलाया, आज तुम्हारे सामने फैला रही है। शहजादे खुर्रम की जिंदगी बचा लो। मेरे बस में क्या है मलका आलिया? आलिया से कह दो कि तुम खुर्रम से शादी करोगे। कह दो कि तुम फरियादी को नहीं जानती। मैं कह दूं कि फरियादी को नहीं जानती, शिराज को नहीं जानती? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे मायूस न करो बेटी, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। हिंदुस्तान के खजाने तुम्हारे कदमों पर रखूंगी, तुम्हारी हर आरजू पूरी कर दूंगी बेटी। आप मेरी हर आरजू पूरी करेंगी? हाँ, मांगो कुछ भी मांगो। तो शिराज से जुदा होने के बाद सिर्फ मौत ही की आरजू बाकी रह जाएगी बेटी, और मौत को बुलाने के लिए हिंदुस्तान की मलिका की जरूरत ना होगी। अच्छा जरीना, मलिका ने समझा था वो सारे जहां को खरीद सकती है, लेकिन वो ये न जानती थी कि एक दिन आएगा जब उसे भीख भी न मिलेगी, उसे मायूस जाना होगा, और वो भी एक मनखा के दरवाजे से। ठहरिए मलका आलिया, आप सरदार हिकमत खान के दरवाजे से मायूस नहीं जा सकती। अगर आप चाहती हैं कि अपने अब्बा जान की तरह मैं आप पर से कुर्बान हो जाऊं, तो ठीक है, ऐसे ही होगा, मैं कुर्बान हो जाऊंगी। लेकिन गुस्ताखी माँ, आप औरत तो हैं, लेकिन एक औरत के दिल का हाल नहीं जानती। मलिका एक औरत के दिल का हाल जानती है, लेकिन एक माँ के दिल पर क्या गुजर रही है तुम नहीं जान सकती। सरीना, एक तड़पती हुई माँ पर रहम करो, मेरा बेटा मुझसे न छीन। जिस चिराग को मैंने ममता के आंचल में छुपाए रखा, उस चिराग को न बुझा। ये सर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, आज तुम्हारे सामने झुका रही हूं। इस झुके हुए सर की आबरू रख लो, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दान दे दो, दान दे दो जरीना। जरीना को हाजिर किया जाए। आलीजा, गुलाम कुछ अर्ज करना चाहता है। इजाजत है? जहां पना, ये मुनासिब नहीं होगा कि हिंदुस्तान की होने वाली मलिका को दरबारे आम में बुलाया जाए। क्यों नहीं? क्या जहांगीर का अदल अदल नहीं, मजाक है? क्या वो अपनों के लिए और है और बेगानों के लिए और? अगर जहांगीर का अदल छोटे और बड़े की तमीज रवा रखता है तो अदल नहीं। जरीना को फौरन हाजिर किया जाए। जरीना, जरीना, फरियादी। गुस्ताखी माफ आ लीजा। मैंने कहा था वैसे कह दो बेटी, वैसे कह दो। मलका आलिया मुलजिमा को बहकाने की कोशिश कर रही है। हम हुक्म देते हैं कि मलका आलम दरबार से तशरीफ ले जाएं, वरना हमारे कहरो गजब का निशाना बनना पड़ेगा। जरीना, तुम जानती हो अचानक एक फरियादी की फरियाद पर हमने शादी की रस्में रोक दी। शहजादे की यह फरियाद है कि खुर्रम ने तुम्हें उससे छीन लिया है।
अब शिराज की फरियाद का फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं। क्या तुम्हें जरीना का फैसला मंजूर होगा? जरूर आलिया, मैं जरीना के फैसले को अपनी किस्मत का फैसला समझूंगा। जरीना, क्या तुम फरियादी को जानती हो? जी हाँ आलिया। क्या तुम्हें फरियादी से मोहब्बत है? हम जवाब के मुंतजिर हैं। जरीना, हमें जवाब नहीं मिला। जहां पना, शिराज के घर में मेरी परवरिश हुई थी, शिराज ने मेरी जिंदगी बचाई थी आलीजा। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें शिराज से मोहब्बत है या नहीं। है आलीजा। फिर तुमने शहजादा खुर्रम से शादी के लिए हाँ क्यों कहा? जहां पना, मुझे बताया गया था कि शिराज इस दुनिया से। मुझे इतना मजबूर किया गया कि अपने आंसुओं को रोककर, दिल पर पत्थर रखकर मुझे हाँ कहना पड़ा। क्या मौत मोहब्बत को फना कर देती? जरीना, हम ये जानना चाहते हैं कि अब तुम्हारी आरजू क्या है। मेरी आरजू? आलीजा, हजारों बार इंसाफ की जंजीर ने हुजूर को पुकारा होगा, मगर शहंशाह के सामने इतना मुश्किल सवाल कभी नहीं आया होगा। मैं देख रही हूँ, एक तरफ मलकाए आलिया के अरमान हैं और दूसरी तरफ शिराज। दिल में मोहब्बत, आंखों में आंसू, बागी इरादे, अरमानों ने कसमें खाई हैं कि अगर कामयाबी हो तो जिंदगी, और नाकामी हो तो मौत। अब बताइए जहां पना, मैं क्या जवाब दूं? अगर शिराज को हां कह दूं तो मलकाए आलिया आंसुओं के तूफान में बह जाएंगी, और अगर इनकार कर दूं तो मेरे कंधों पर मेरे मोहसिन शिराज का जनाजा होगा, मेरे कदमों पर शिराज के माँ बाप के अरमान तड़प रहे होंगे। नहीं जहां पना, नहीं, मैं फैसला नहीं कर सकती, मैं फैसला नहीं कर सकती। मैं अपना फैसला शिराज पर छोड़ती हूँ। फरियादी, अब फैसला ना हमारे हाथ में है ना जरीना के हाथ में। तुम्हारी फरियाद का फैसला तुम्हारे ही हाथ में है। जरीना ने तुम्हें हमारे तख्त पर बिठा दिया है, और अपनी फरियाद का फैसला करने के लिए अब तुम्हें हमारे तख्त पर बैठना होगा। नहीं आलिजा, वो तख्त आपका है। अदल के तख्त पर शहंशाह जहांगीर के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। आप शहजादे के वालिद हैं, फिर भी मैं अपना फैसला आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि आप सिर्फ शहजादे के वालिद ही नहीं आलिजा, सारी रियाया के बाप हैं। फरियादी, तुमने हम पर भरोसा किया है, हम इंसाफ का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। हमारा फैसला है कि जरीना को। यह आपका फरमान है आलीजा। आपने वादा किया था जहां पना, मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप खुशी से देंगे। हमें याद है, आज मैं अपना हक मांगना चाहती हूँ। इजाजत? मैं जरीना की शादी शहजादा खुर्रम से मांगती हूँ। जहांगीर अपना वादा नहीं तोड़ सकता, जहांगीर इंसाफ का गला भी नहीं घोंट सकता। हमें नाज था कि हमने कभी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा, आज हमारे वादे और इंसाफ में टक्कर हो गई।
मालिक दो जहां, क्या तुझे हमारा सर झुकाना मंजूर है? फैसला सुनाया जाए आलीजा, फैसला सुनाया जाए आलीजा, फैसला सुनाइए आलीजा, फैसला सुनाइए आलीजा। अगर शहनशाह चाहें तो अपना वादा पूरा कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती बेटा, उन्हें अदल दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज है। अगर उन्हें अदल अजीज है तो हमें भी अपनी इज्जत प्यारी है। शादी की रस्में अदा होती हुई रोक दी गई, मैं जान दे दूंगा लेकिन ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आलीजा, ये है एक बाप की बेकरारी। बाप की बेकरारी नहीं जोत पाई, हमारा दिया हुआ वादा एक जिंदा तस्वीर बनकर हमारे सामने खड़ा है और हम उससे आंख नहीं मिला सकते। ये वादा ही कुदरत का इशारा है आलीजा, आप अपने बेटे के दिल की मुराद पूरी कर सकते हैं। जरूर, लेकिन इंसाफ का दामन छोड़कर, वादा पूरा हो सकता है जोत भाई, लेकिन ये इंसाफ का तराजू यहां नहीं रहेगा। तारीख लिखने वाले जहांगीर की कहानी से अदल का बाप हुआ है। तो कीजिए तारीख में अपना नाम रोशन, बढ़ाइए अपने अदल की शोहरत, लेकिन पहले अपने बेटे का गला खोल दीजिए और मुझे जहर दे दीजिए। जोत भाई, ममता के जोश में आकर मुगलिया तहजीब और इंसाफ को खाक में मिलाने की कोशिश कर, लोग तुम्हारे शौहर पर उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि ये वही बादशाह है
जिसने अपने बेटे की खातिर इंसाफ के चेहरे पर स्याही मल दुनिया भर का इंसाफ करता, जब अपने सीने पर हाथ पड़ा तो बुजदिलों की तरह रोया। हम इंसाफ के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते, हमारी बुजुर्गों की रूहें भी हमसे नफरत करने लगेंगी। जो बुजुर्गों की रूहें, क्या आप भूल गए आलिशा, मुगलिया सल्तनत के बानी मुबानी शहंशाह बाबर ने अपने बेटे हुमायूं के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, लेकिन मैं तो आपसे इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं मांगती, मैं तो सिर्फ आपसे अपना वादा पूरा कराना चाहती हूँ। क्या हो गया आपको, कहा गया हो बाप का मोहब्बत भरा दिल जो बेटे की पैदाइश की खबर सुनकर उछल पड़ा था, जिसने बेटे को गोद में खिलाया, पहलू में सुनाया, उसकी शादी की दुआएं मांगी, खुद शादी का फैसला कर लिया, और आज वही बाप है जो उसके चेहरे से सेहरा नोच कर कदमों में बल देना चाहता है, उसके दिल के टुकड़ों को ठुकरा रहा है। झूठ भाई, खुदा के लिए हमें अकेला छोड़। नहीं नहीं आ रही, माना कि आप शहंशाह है, लेकिन ये न भूलिए कि आप एक बाप भी, अगर यह है कि लिए शहंशाह का कोई फर्ज है तो अपनी औलाद के लिए बाप का भी कुछ फर्ज है। जब तक आखिर उनकी जिंदगी बचाने का वादा न फरमाएंगे, मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगी। जोत भाई, आपने शहंशाह के सामने बाप को लाकर खड़ा कर, यह तूफान कुछ भी नहीं, उसी तूफान की तेजी को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारे दर पर आना पड़ा। मुसाफिर, अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद करना है ताकि मैं अपना चिराग रोशन कर लूं। अभी नहीं, मुझे जो कहना है वो कह लेने दीजिए, इसके बाद आप अपना चिराग रोशन कर लें, या मैं अपनी उम्मीदों का टिमटिमाता हुआ चिराग रोशन कर लूं। मेरे पास तो सिर्फ एक ही चिराग है, वो भी बुझ गया तो अंधेरा हो जाएगा और मैं अंधेरे में ठोकने खाता हुआ मर जाऊंगा। आपके घर में चिराग जला तो सही, मेरे घर में तो जलते ही बुझ गया। हाँ, आपने अभी तक ये नहीं बताया आप कौन हैं, और मुझे इतना होश नहीं कि आपको पहचान सकूं। मैं एक बदनसीब बाप हूं जिसने चिराग घर में रोशन किया और खुद ही बुझा दिया, ताकि उसके नाम पर चिराग से उठता हुआ धुआं कहीं स्याही न फेर दे, कालक न मल दे। कौन, शहंशाह खुद तशरीफ फरमा है? सहनसीब, आदाब बजा लाता हूं आलिजा। नहीं शिराज, तुम्हारे पास खुर्रम का बाप आया। मेरे सर आंखों पर, फरमाइए। शिराज, खुर्रम बचपन ही से जरीना को चाहता है। मैंने खुद शहजादा खुर्रम को मोहब्बत का एक नन्ना सा पौधा लगाते देखा है। तकदीर ने एक तूफान में उस पौधे को लहरों के सुपुर्द कर दिया, लेकिन तकदीर से उसे कहीं किनारा मिल गया और वहां एक बेलौस मोहब्बत ने पौधे की परवरिश की। वक्त आने पर उस पर मोहब्बत का एक फूल खिला, जिसने किसी के दिल को अपनी महक से मदहोश करके अपने आगोश में ले लिया। काश ये कहानी यही खत्म हो जाती तो अच्छा होता। एक बार फिर मुकद्दर की तूफान भरी लहरें उसे बहा ले गईं,
और जब तूफान थमा तो। शहंशाह आलम, ये कहां का इंसाफ है? क्या आंधी और तूफान की वजह से अगर किसी के हाथ से कोई चीज उड़कर आपके हाथ आ जाए तो क्या वो आपकी हो जाएगी? क्या आपका फर्ज नहीं कि जो ही उसका असली हकदार आ जाए तो आप उसे उसकी अमानत लौटा दें? हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन इस वक्त हम बाप के दिल के हाथों मजबूर हैं। शिराज, शायद तुम ये भूल गए कि खुर्रम हिंदुस्तान का होने वाला शहंशाह है और जरीना हमारे मोहसन की बेटी। शादी के बाद वो हिंदुस्तान की मलिका बनेगी और शायद तुम। गुस्ताखी माँ, अब आप शहंशाह हैं, एक बाप नहीं आलीजा, क्योंकि आप मोहब्बत के दरमियान ताज और तख्त लाए हैं। आप तशरीफ ले जाइए जहां बना, मैं दीवाना हूं। खुदा के लिए मुझे और दीवाना ना बनाइए। मैंने आपको नहीं, अदल जहांगीरी को पुकारा है और पुकारता रहूंगा। अदल की जंजीर मैं जिंदगी भर खींचता रहूंगा ताकि एक ना एक दिन अदल जहांगीरी मजबूर होकर शहंशाह और खुर्रम दोनों बाप बेटे का साथ छोड़ दे। शहंशाह आलम, आप नहीं जानते कि इस अदल की जंजीर की कीमत मजलूमों के दिलों में कितनी है। अदल जहांगीरी ने आसमान पर एक नया सितारा रोशन कर रखा है। आलीजा, आलीजा, शिराज, हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते, हम भटक गए थे, तुमने हमें गुमराह होने से बचा लिया। मलिका, तुमने गलती की जो शहंशाह के सामने दामन फैलाया। जहांगीर शहंशाह पहले है, शौहर और बाप बाद में। नहीं मां, नहीं, मैं शिराज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बचपना ना करो जरीना, शहजादे से शादी करके तुम मलिका बन सकती हो। शहंशाह ने जो अपने फरमान में वादा किया था उसे वो जरूर पूरा करेंगे। वो फरमान तो अब्बा जान की जिंदगी की कीमत है माँ, और तुम उसी फरमान से उन्हीं की बेटी का खून करना चाहती हो। तुम मेरी भी तो बेटी हो, क्या तुमने मेरे खातिर शहजादे से शादी करना मंजूर ना किया था? हाँ, मगर तुम जानती हो क्यों? क्या तुम मेरे खातिर अपने सीने पर पत्थर नहीं रख सकती? मजबूरी से तो जहर भी खाना पड़ता है, अपनी खुशी से कौन खाता है माँ? तुम शहंशाह जहांगीर के एहसानों का कर्जा अदा कर सकती हो बेटी। एक बाप चाहे जो कुछ भी कहे, उसे बेटे की खुशी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। नहीं माँ, शहंशाह जहांगीर को सबसे बड़ी खुशी इस बात की होगी कि हम उनके अदल के सामने दीवार बनकर ना खड़े हों। जरा मलिका जोध बाई का ख्याल करो, उनका दिल गम से चूर चूर हो चुका है। शिराज की भी तो माँ है, उसकी माँ का भी तो दिल है, और माँ माँ होती है, मलिका हो या भिखारी। तुम किसी तरह नहीं मानोगी, मेरी आंखों के सामने तुम उस भिखारी शिराज के साथ चली जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। शादी की तैयारी हो शहजादे से और शादी हो उस भिखारी से, मैं ये बेहया नहीं देख सकती। मैं शिराज जी की तो दुल्हन बनने वाली थी माँ, अब मेरी जिंदगी में तो मुझ पर किसी का हक नहीं। मेरी मौत के बाद मेरी लाश को दुल्हन बना लेना, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। बेटी ठहर जाओ, बेटी खुदा के लिए रुक जाओ, बेटी तुम्हारी जीत हुई, रुक जाओ। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा बेटी। बचपन में बिछड़ने के बाद अब मिली हो, फिर मुझे छोड़कर चली जाना चाहती, शायद मेरी किस्मत ने यही लिखा था। मेरी अम्मी, खुदाया,
क्या जहांगीर का दिल मजाक का निशाना बनकर रह जाएगा? आलीजा, ये क्या? आपका दिया हुआ फरमान, जरीना ने शादी करने से इनकार कर दिया है। उसने मेरी एक न सुनी तो मैं अपना हक छोड़ती हूँ। सलमा, खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है। आलीजा, आप खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी सोचा कि खुदम की जिंदगी का क्या होगा? जोत भाई, अगर हमने इंसाफ किया तो खुदम की जिंदगी का खतरा है, और इंसाफ ना किया तो हमारी जिंदगी का, क्योंकि इंसाफ से मुंह मोड़ कर जहांगीर जिंदा नहीं रह सकता। जोत भाई, ये बाप और बेटे की जिंदगी का सवाल है, तुम्हें दोनों में से किसकी जिंदगी अजीज है? बहादुर बाम लहजा होशियार आलम पना दिल्ले सुभानी रूहे कामरानी शहिनशाह हिंदुस्तान नूरुद्दीन जहांगीर जलवा फरोज हो रहे हैं। तुम्हारे अदल की सारे जहां में शोहरत है, इसीलिए तो जमाने में अपनी इज्जत है। खुर्रम, तुम्हारे खिलाफ ये इल्जाम है कि तुमने शिराज की महबूबा को उससे छीन लिया है, और यह साबित हो चुका है कि जरीना शिराज को चाहती है। हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, अगर तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना हो तो कहो। आलीजा, क्या यह दुरुस्त है कि शहनशाह का हर काम उसकी रियाया के लिए मिसाल बन जाता है? हाँ, बात है जिसके बयान का मुझे कोई हक नहीं, अगर आप माफी का वादा फरमाएं तो अर्ज करूं। हमने वादा किया? आपने फरमाया कि मैंने किसी की महबूबा को छीन लिया है। आलीजा, अगर मैं भी आपके खिलाफ यही इल्जाम लगाऊं और इसे साबित कर दूं तो? शहजादे, बयान जारी रहे। आलीजा, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। लेकिन हम तुम्हें वापस लेने की इजाजत नहीं देते। इस अदल के तख्त पर बैठने वाला अगर खुद गुनाहगार है तो उसे इंसाफ करने का क्या हक है? मुल्जिम, बयान जारी रहे। आलीजा, बयान जारी रहे। आलीजा, मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैंने किसी की महबूबा को छीन लिया है। क्या आपने शेर अपन की बीवी मलका आलिया नूरजहां को शेर अपन से नहीं छीना? संभलो खुर्रम। शहजादे, ये क्या कहा तुमने? हमें खुशी हुई खुर्रम, हमें बहुत खुशी हुई। वाकई तुम बड़े बहादुर हो, जहांगीर का बेटा ही जहांगीर के सामने इस तरह सीना तान के खड़ा हो सकता है। खुर्रम, मुगल सल्तनत की तारीख इस बात की गवाह है कि हमारा उंस मेहरुल निसा की शादी से पहले था। हमने शेर अफगन की बीवी को नहीं छीना, बल्कि शेर अफगन ने हमारी महबूबा मेहरुल निसा को हमसे जुदा किया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने शिराज की महबूबा को उसे जुदा कर दिया है। खुर्रम, क्या तुम चाहते हो तो तुम्हारा भी यही हाल हो जो शेर अफगन का हुआ? नहीं नहीं सरताज, रहम रहम कीजिए सरताज, ये आपका लख्त जिगर है, इसे माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। अलीजा, अलीजा, शहजादे के साथियों ने दरीना को गायब कर दिया। शहजादा खुर्रम को गिरफ्तार किया जाए। नहीं, मलिका,
खुर्रम ने शहनशाह की इज्जत को ललकारा है। आज बाप बेटा दोनों महल में वापस नहीं आ सकते। एक की लाश ही आएगी। शाह के फरमान के सामने सर झुका दो। हरगिज नहीं। हमारे सामने हमारा बेटा नहीं, बागी है, और बागी की सलाह हम जानते हैं। हमारे सामने भी हमारा बाप नहीं, शहंशाह है, जिसने हमारी दुल्हन को हमसे जुदा करके हमारी इज्जत से खेला है। खुर्रम, अब भी मान जाओ। हर कितनी मुल्ज़िम बेबस है, शहंशाह चाहे तो मुल्ज़िम को खत्म कर सकता अभी इसी वक्त। लेकिन बाप का हाथ बेटे पर नहीं उठ सकता। आज बाप जीत कर भी हारना चाहता है। बेटे का खून सफेद हो सकता है खुर्रम, लेकिन बाप का नहीं। तारीख इस बात की गवाह है, किसी बेटे ने तो बाप के सीने में खंजर उतारा होगा, लेकिन किसी बाप ने आज तक बेटे के खून से हाथ नहीं रंगे। जब तक हम जिंदा हैं खुर्रम, तुम ज़रीना को शिराज से नहीं छीन सकते। उठो, लो ये तलवार, हमारी तलवार हमारे सीने में घोंप दो, बहा दो हमारा खून, ताकि हमारे खून के कतरे जमीन के सीने पर जहांगीर के इंसाफ की एक नई कहानी लिख दें। खुर्रम, क्या सोच रहे हो? उठाओ तलवार।
तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने सीना ताने खड़ा है। उठाओ तलवार, उठाओ तलवार, उठाओ तलवार, उठाओ तलवार। हम समझे थे सिर्फ एक संग दिल शहंशाह, मगर आप एक रहम दिल बाप भी हैं। खुर्रम की तलवार शहंशाह पे उठ सकती है, मगर एक बाप बने। आज शहंशाह और मुलजिम नहीं, बाप और बेटे गले मिल रहे हैं। अब्बा खुर्रम, शिराज, जरीना तुम्हारी थी और तुम्हें ही मिली। अल्लाह ने तुम दोनों की मोहब्बत को बचा ली और जहांगीर के इंसाफ को भी। जा अपना। चांद सितारे करते इशारे, हमने तुम्हारे तुम हो हमारे। चांद सितारे करते